है जेठिया, जेठिया। हाँ बाबूजी, जरा नीचे आना, काम है। हाँ बाबूजी, मैं तो बाकी सब लोगों को भी बुला ले। क्या बाकी बताना, क्या बोला बाबूजी? तू नीचे लगाओ, नीचे। ठीक है मास्टर। अय्यर, बोपटलाल। अय्यर, बबीता जी। बोपटलाल नीचे आओ भाई। भिड़े मास्टर। माधवी भाभी। सोनी। रोशन भाभी। रोशन भाभी। अय्यर, बबीता जी। दादा दादा, येना आची। काय झालं आती भाई? आती भाई क्यों आया? क्या हुआ मेहता साहब, क्यों बुला रहे? अरे मैं तो नहीं बुला रहे, मैं बुला रहा हूँ, नीचे आओ सब लोग। अरे ये जेठा प्रा चाचा जी दे नाल है, मैं लगा झगड़े नु लेके कोई गल है। मला असं वाटतंय जेठाला आपलं बोलणं खरं करण्यासाठी ना चाचाजी ना घेऊन आलाय, की सुविचार गुजराती मध्येच लिहायचं म्हणून। आपण ऐकतो ना चाचाजींचं सगळं, पण आता ऐकायचं नाही आहे, सुविचार मराठी मध्येच लिहिणार आहे मी। बरोबर जेठालाल, नी संड पोटू चिन्न पसंग मारी, नी उंग अप्पा वा ऐटू वंदुट, इप्पो निया मोळी पत्ती याद चुमसोना, नानु ओनिया विडमाटे। आओ। अरे तुम सब लोग खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? आओ जल्दी नीचे आओ, और हाँ अपने परिवार के साथ आना। अच्छा तो मैं नहीं आऊँ? डिब्बे, हम सब क्या तेरा परिवार नहीं है? नहीं नहीं है ना चाचा जी। तो नीचे आना भाई। आता हूँ आता हूँ। चलो भाई यार, हमारा नीचे जाइए। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। हाँ आलो आलो। आओ जल्दी। चाचा जी आ रहे हैं, आ रहे हैं चाचा जी। अच्छा जेठिया एक बात बता, तूने ये उम्बाड़ियू पार्टी कैंसिल क्यों की? तुमने क्यों रहता खबर पड़ी? अरे पड़ी भाई, तू छोड़ ले, तू बता कैंसिल क्यों की पार्टी? तुम्हारा माती कौन है कंप्लेंट करी मारी बापूजी ने? अरे भाई किसी ने कंप्लेंट नहीं की है, और सबसे पहले तो है ना तू ये गुजराती में बात करना बंद कर। बापूजी गुजराती अपनी मातृभाषा है, पर तुम मने मातृभाषा में बात करवानी ना पड़ो छो। अरे ना नहीं बोल रहा हूँ भाई, लेकिन यहाँ बाकी सब लोग भी खड़े हैं ना, हम दोनों क्या बात कर रहे हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए। बता उम्बाड़ियू पार्टी कैंसिल क्यों की? बापूजी मैं तो पार्टी कैंसिल करना ही नहीं चाहता था, लेकिन यह सबकी वजह से करनी पड़ी। अच्छा तो भाई तुम सब लोग बताओ, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पार्टी कैंसिल करनी पड़ी? अरे बोलो, अरे सब लोग चुपचाप क्यों खड़े हो, बोलो। ओ महतुस, तू तो कह रहा था ना कि इन सब लोगों ने नक्की किया है कि अभी से ये लोग सिर्फ अपनी अपनी मातृभाषा में ही बात करेंगे, लेकिन इन सब लोगों ने तो मौन व्रत ही ले लिया। अरे बापूजी मौन व्रत धारण करे ना, कारण के वहां के लोगों ने बोले शू। ओ जेठालाल बास आता खूब बोल रहा, वाटेल ते ऐकून नाही घेणार मी। जेठा प्रा, मैं चाचा जी की इज्जत अपने पापा जी वर्गे करना इस करके खामोश हाँ, पर मेरी खामोशी नो मेरी कमजोरी ना समझो। हमने थोड़ी बार गपचुप रहनी बाबा, हमने आपने कहीं नहीं बोलू छे। चित्तप्पा इन द संडे की कारणम पिन्नाड़ी तप्पू जय डला तुदान। छाड़ो ना यार, की दरकार এখন এসব ব্যাপারে কথা বলার। यू आर राइट बबीता, जेठालाल किट पेशी पोरू प्रयोजन मिला। जोयू जोयू बापूजी, अय्यर पे हजी एनी पासे में मारो वांग काटे छे। अरे मारो वांग शू काटो छो? सौथी पहला रसम भात खावा तमे जता रहया था ने। अरे भाई आता तो चोकलो उठा कर लिया मैं तो कहीं तो मैं भाई तो उठा कर मत लिए। अरे चुप रे, अरे चुप हो जाओ सब लोग। तुम सब लोग क्या बोल रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सब लोगों को जो भी बोलना है हिंदी में बोलो। बोले यार क्या बोल रहा था तू, हिंदी में बोल। चाचा जी मैंने तमिल में यही कहा था कि ये तारा झगड़े के पीछे जेठालाल का गलती है, ये जेठालाल नहीं मेरे भाषा का मजाक उड़ाया। हाँ तो ऐसा बोलना भाई, तो मेरी कुछ समझ में आए। बैठिया
अय्यर से माफी मांग, किसी की भी भाषा का अपमान नहीं करते। अरे मैंने किसी की भाषा का अपमान नहीं किया है बापूजी, मैंने तो खाली अय्यर भाई को ये बोला कि आपकी हिंदी कमजोर है तो आप जरा हिंदी सीखो। झूठ मत बोलो जेठालाल, तुमने सबके सामने मेरा लैंग्वेज का मजाक उड़ाया था। अरे अय्यर भाई मजाक नहीं उड़ाया, अभी यार दोस्तों में हंसी मजाक तो चलती रहती है ना बापूजी। लेकिन वो मातृभाषा में सुविचार लिखने का मुद्दा तो आप ही लेकर आए थे ना बापूजी। अय्यर भाई कह रहे थे कि सुविचार तो तमिल भाषा में ही लिखा जाए। जेठालाल मातृभाषा में सुविचार लिखने के लिए पहले सोडी ने बोला था। ओ अय्यर, अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की जिद मैंने नहीं, भिड़े ने की थी। इसने नोटिस बोर्ड पे रोज अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की जिद पकड़ी, इसलिए तो ये सब हुआ। बिल्ली मास्टर, अरे भाई एक शिक्षक होकर तूने ऐसा किया। चाचा जी मुझे अय्यर ने उकसाया, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अय्यर ने मुझे बोला कि नहीं नहीं तमिल में ही सुविचार लिखो, मेरी मातृभाषा तमिल है तो तुम तमिल में ही सुविचार लिखोगे। आज तक मैं कैसे सुन के लूं।